बैक टू माई चैनल दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube के चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से एक दो नहीं दोस्तों सौ छत्तीस स्टॉक मतलब 36 सिक्स शेयर का जिक्र करूँगा मैं पूरी लिस्ट है यहाँ पे और इन स्टॉक को चुनने के तीन क्राइटेरिया हैं ये किस बेस पे चुना गया है इन तीनों स्टॉक को मैं बताऊँगा अभी ये बहुत सस्ते स्टॉक मिल रहे हैं दोनों माफ़ करें छत्तीस के छत्तीस ये स्टॉक बहुत सस्ते हैं और इनको ख़रीदने का क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बताऊंगा क्राइटेरिया सीधा सीधा इतना सा है दोस्तों कि जिन कंपनी का आर मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल माफ़ करें रिटर्न ऑन हाँ रिटर्न ऑन कैपिटल आर ओ और रिटर्न ऑन इक्विटी आर ये 20 से ज़्यादा है अगर किसी भी कंपनी का तो एक ठीक ठाक कंपनी मानी जाती है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लायट और दूसरा पी वैल्यूएशन की बात करें अगर पी थोड़ा कम है मतलब 20 से कम है तो और ही अच्छी बात है 15 से कम है तो उससे भी अच्छी बात है तो उससे क्या है कि दोस्तों पी वैल्यूएशन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर इन छत्तीस स्टॉक का चुनाव किया गया है तो स्टॉक कौन कौन से हैं चलिए बताएँगे आप वीडियो में रहिएगा आपको अच्छा लग जाए तो लाइक करना है चैनल में आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर टाइम टू टाइम आपको अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें जो आपकी मदद कर सकते हैं वेल्थ क्रिएशन में दोस्तों जो मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से 36 स्टॉक हैं जिसमें वो 36 की 36 स्टॉक की लिस्ट आपको मनी कंट्रोल की साइट पे भी मिल जाएगी दोस्तों बात करें दोस्तों बेंजामिन ग्राहम से लेकर रामदेव अग्रवाल बेंजामिन ग्राहम कौन है आपको पता है वॉरन बफे के गुरु हैं कोई छोटे आदमी नहीं है रामदेव अग्रवाल मोतीलाल फाइनेंशियल के आपको पता है हेड हैं जो एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं वैल्यू इन्वेस्टर करता क्या है जो मैं हमेशा हर रोज़ वीडियो में बोलता हूँ बाई ऑन डिप और होल्ड करना उसके बाद तो देख लीजिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है हाई क्वालिटी शेयर को सस्ते प्राइस पे ख़रीदा जाए मतलब अच्छा शेयर है जो सस्ता मिल रहा है जो रोज़ बोलता हूँ मैं आपको बजाज फाइनेंस दीपक यूनाइटेड एल्कल बालाजी एम माइंस पॉली प्रिंस पाइप एस्ट्रल ये सारे अच्छे शेयर हैं कैसे मिल रहे हैं सस्ते मिल रहे हैं और इन्हें कब तक रखना लंबे समय तक अपने पास रखा जाए प्यारी लाइन सीधी लाइन गोल्डन लाइन किस बाई ऑन डिप होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म सस्ता खरीदिए अच्छा शेयर खरीदिए लंबे वक्त तक रखिए और फिर वो आपको पता है पैसे कई गुना करता है इसीलिए स्टॉक इस फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे जो इस लिस्ट तैयार की गई है मतलब जो छत्तीस स्टॉक की लिस्ट यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट करूँगा वो किस बेस पे की गई है आपको बता रहा हूँ आपको पता है स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक सस्ता है महंगा ये पता लगाना थोड़ा कठिन है तो इसके लिए क्या किया गया है तीन चीज़ों को आधार बनाया गया है एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आर कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा हो गया दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी तीसरा दोस्तों पी पी क्या होता है मैं तीनों चीज़ों को आपको पहले समझा देता हूँ ये चीज़ें हैं क्या क्या उसके बाद मैं स्टॉक का कर जिक्र करूंगा दोस्तों तो पहले समझते हैं आर ओ ई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी तो समझ गए अगर आपके पास कोई कंपनी है मान लीजिए कंपनी आपके पास दुकान है आपने हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था उस दुकान के अंदर इस हज़ार रुपये से आपको साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है परसेंट में मतलब जो भी आपने हज़ार रुपए के मान लीजिए हज़ार रुपये आपने लगाए और उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर रखा है तो जो भी हज़ार रुपए की इक्विटी है उसमें आपको साल में जितना भी प्रॉफिट होता है उसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं मान लीजिए ट्वेंटी परसेंट से अगर ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है अब बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मान लीजिए आपके पास एक हज़ार रुपये का निवेश था टोटल पैसे आपके पास हज़ार रुपए थे पाँच सौ रुपये आपने और ले लिए हज़ार रुपये और ले लिए तो आपके पास हो गए दो हज़ार तो इस दो हज़ार रुपए पे आपको जितना भी साल में प्रॉफिट होगा मतलब इक्विटी के ऊपर वो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा मतलब कर्जा अगर जुड़ जाता है तो वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है हट जाता है तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है अब बात करेंगे हम पी वैल्यूएशन क्या होता है पी को बहुत लोग ध्यान से समझते हैं और इसके बारे में बोलते हैं ये सस्ता है तो अच्छा है और ज़्यादा है तो महंगा है तो लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों पी क्या होता बहुत डिफर है, उपर, बहुत है बहुत सारी डिफ़र करता है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनका पी हमेशा आपको महंगा ही मिलेगा जैसे लाइक आप देख लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक पचास साठ सत्तर का पी आपने कभी देखा ही नहीं होगा सॉस डेढ़ सौ अस्सी नब्बे इस तरह के पी वैल्यूएशन देखने को मिलते हैं या फिर कंपनी बहुत ही बेहतरीन नतीजे प्रेजेंट करती हो हर बार मार्जिन का अच्छी खासी जंप हो तो भी आपको पी वैल्यूएशन मार्केट उसको प्रोवाइड करेगा तो पी वैल्यूएशन एक्चुअली है क्या चीज़ मतलब अगर आप एक रुपये कमाने के लिए अगर किसी कंपनी को जैसे फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस का पी कितना है पचास रुपये इसका मतलब क्या है अगर आप बजाज फाइनेंस के कंपनी से एक रुपया कमा रहे हैं ना तो उसके लिए कितना पे कर रहे हैं उसको पचास रुपये इसका मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल दीपक नाइट्राइड का पी इस समय चल रहा है बाईस और इसका मतलब क्या है अगर आप एक रुपये कमाना चाहते हैं दीपक नाइट्राइट से तो आपको बाईस रुपये कंपनी को देना है तो पी का मतलब इस हम होता है तो चलिए अभी छत्तीस के छत्तीस स्टॉक देखता हूँ आप वीडियो में बने रहिए और सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझाता रहूँगा मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि वो कंपनियां जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी 20 परसेंट से ज़्यादा है और दोस्तों किस पीरियड में 2019 से इक्कीस के पीरियड में और उनका पी वैल्यूएशन 15 से अधिक ना हो तो दोस्तों वो कंपनियां इसमें चुनी गई हैं तो पहली कंपनी है कोल इंडिया आपको पता है दस का पी पे चल रही है सस्ती है वनाती ऑर्गेनिक दोस्तों बात करें दो, सॉरी वैलियट ऑर्गेनिक की बात करें दोस्तों तो करीब करीब चौदह के पी के आसपास है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब एच जो कि आप जानते हैं एक और पी एस स्टॉक है यह भी एक पी एस स्टॉक है दोस्तों ग्यारह दशमलव पाँच पाँच के पी ई पे चल रहा है दौलत एग्रीटेक लिमिटेड सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स के पी ई पे चल रहा है पेट्रोनेट नेट एल एम नौ और दस के पी ई पे चल रहा है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड बोवरेज की बात करें तो दोस्तों तेरह के पी पे मिल रहा है अगला दोस्तों बेहतरीन स्टॉक आपके सामने आ चुका है ऑर्गेन फाइनेंशियल एंड सॉफ्टवेयर कंपनी बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों पंद्रह के पी के आसपास सी जगदम्बा पॉलीमर सुपर मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ था दोस्तों साढ़े तेरह के पी पे सन टीवी नेटवर्क दस के पी पे गुजरात की बात करें गुजरात थेम्स की बात करें तो दोस्तों तेरह दशमलव एक पाँच के पी पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो दोस्तों नाइन पॉइंट नाइन के पी पे लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साढ़े बारह के पी पे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट तेरह के पी पे एल्डो हाउसिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे लगभग साढ़े बारह के पी पे यहाँ पे ये भी ट्रेड होता देखने को मिल रहा है यहाँ पे अगर हम और डिटेल पे जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात करें तो चौदह के पी पे मंगलम ऑर्गेनिक नौ दशमलव छः दो के पी पे एम मतलब महानगर गैस बारह दशमलव सात के पी पे टैनफेक इंडस्ट्रीज दोस्तों एट पॉइंट एट वन के पी पे डेनमार्क लाइन साइंसेस की बात करें तो दोस्तों तेरह के पी पे पे टी एल इंटरप्राइजेस बारह साढ़े बारह के पी पे एच जी इनफराज दस साढ़े दस के पी पे प्रकाश इंडस प्रकाश पाइप दोस्तों मैं लगातार जिक्र करता हूँ इसका लगभग साढ़े आठ के पी पे कावेरी शीट बेहतरीन कंपनी चौदह के पी पे और परमानेंट मैनेज की बात करें तो दोस्तों लगभग पंद्रह के पी पे ये भी स्टॉक अभी हमको देखने को मिल जाते हैं अगर हम और डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीराबेन अभी लास्ट थोड़े दिन में पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी ग्यारह और बारह के पी पे नॉलेज मैन की बात करें तो चौदह के पी पे आई एफ एल सिक्योरिटीज़ सात और आठ के पी पे कांचीपुरम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आठ और नौ के पी पे बजाज कंज्यूमर बारह के पी पे रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज छः के पी पे टाटा मेटैलिक सात और आठ के पी पे इंटेंस टेक्नोलॉजी दोस्तों नौ और दस के पी पे गल्फ ऑयल एंड लुब्रिकेंट दस के पी पे आई केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल दोस्तों बारह के पी पे टी ग्लोबल की बात करें तो पाँच के पी पे एंड मेडिको की बात करें तो मेडिको इंटरनेशनल की बात करें तो दस के पी पे तो ये छत्तीस के स्टॉक हैं दोस्तों ये अभी बहुत सस्ते हैं अब ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है इट इज़ ओनली अप टू यू आपकी मर्जी है ख़रीदना चाहें खरीद सकते हैं नहीं ख़रीदना चाहें तो कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है पर कोई भी स्टॉक ख़रीदिए तो जिम्मेदारी आप खुद लीजिए क्योंकि बाजार में चीज़ें हैं सीखने के लिए आप अगर किसी और को ब्लेम करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है खुद स्टॉक खरीदिए अपनी स्टडी जारी रखिए बाज़ार में हमेशा सीखते रहिए सीखेंगे तभी आप अच्छा कमा पाएंगे दोस्तों तो पसंद आया वीडियो लाइक कर सकते हैं अब चैनल में आप पहली बार हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तो तब तक के लिए बाय बाय